or scatter thy data, you will flutter in this matter. So, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पीछे से ज़्यादा आवाज़ आ रही होनी। तो दोस्तों, आज आप सभी को पता है 21 मार्च है और विश्व कविता दिवस है। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं थोड़ी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। हमारी पोइट्री कॉम्पिटिशन है जिसमें मैंने भी भाग लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। अभी सारे बच्चे आए नहीं है, इंटर डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन है, तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। देख सकते हो बच्चे कितने। ये भी सिर्फ प्रिपरेशन हो रही है और बहुत ही डर लग रहा है। तो दोस्तों, कंपटीशन है तो हर कोई चाहता है कि वो जीते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी जीतूँ, पर इतना अच्छा बोलूँ कि सबको मेरे शब्द अच्छे लगे। तो बाकी मैं आप सभी को दिखाती हूँ मेरा आज का लुक कैसा है, मैंने क्या पहना है। चलिए दिखाती हूँ। दोस्तों, आज ना मुझे बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कंपटीशन होती है ना तो ऐसे डर सा लगता है मुझे, पर अगर नॉर्मली कुछ हो तो चलो फिर भी ऐसा होता है कि, पर आज तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। प्रे फॉर मी कि कुछ अच्छा ही हो, कुछ ना कुछ तो पोजीशन आना चाहिए यार। क्योंकि जब हम कंपटीशन में जाते हैं ना तो सबके दिमाग में ये होता है कि वो जीतना चाहते हैं, पर मेरे दिमाग में भी ऐसी है कि मैं जीतूं, पर नहीं होता है तो बस अपना बेस्ट देकर आऊं। तो चलिए व्लॉग के साथ बने रहना, बहुत ही खूबसूरत व्लॉग बनने वाला है। इतिहास पैदा कर, मांगने से कम मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। Well, what a motivational line for all the participants here. वैसे तुमको कब से इतना पोएट्री का शौक हो गया अर्षिता? पोएट्री का शौक तो मुझे शुरू से ही आनंद है। बस कुछ सुन लेती हूँ, कुछ पढ़ लेती हूँ, बस अपने शब्द मुझे पिरोने नहीं आते। Judges, respected faculty members and all the participants here, on the occasion of World Poetry Day, we, I mean I, Ananya Ambas as a host, and I, Arshita Rana, as co-host, welcome you all. First of all, we have a very special guest here, which will be introduced by our co-host. So we have Dr. Asta Tripathi, who has joined us poetry. So Dr. Asta Tripathi, she worked with Shuni University from 2011 to 2021 as assistant professor microbiology in the faculty of applied science. तो मुझे दो लाइन अपनी पापा की याद आती है और मुझे लगता है हिंदी सबको बहुत अच्छी से समझ आ जाती होगी ना? है ना? Yes ma'am. So मेरे पापा की दो लाइन थी, जोर जोर होती तो बंदी अनायास कविता बनती है, भावा की कदम की आवा प्रज्ञापन की किताब बनती है। मतलब पोएट्री के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको एक अलग से स्पेशली आपको कुछ लिखना पड़े, आपके मन की जो भी आता है, माइंड में जो भी आता है कि आज से एक बहुत ज्यादा चीज देखने को मिलती है, बच्चों की डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है और जो उनमें जो कम्युनिकेशन गैप आता है कि मैं यहाँ भी देखती हूँ इससे फ्रेंड से बात करती हूँ, लेकिन उतनी वो अपनी प्रॉब्लम किसी साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। कि अपना बाली डॉक्टर प्रकाश चंद एंड डॉक्टर डी वी शर्मा। डोमिनियन प्योर एंड फ्री फॉर सोल बोथ बॉडी एंड स्पिरिट क्रेव रिलीफ फ्रॉम प्रेशर आर सोल टू से In moments still, when pen meets space, communication with the divine takes shape. Naturally inclined to seek the hush profound, in silence the purpose is found. पंचता बुनता मैं आज का भारत हूँ, युवा हूँ अपनी सोच से नव निर्माण की खोज से। हौसले बुलंद है निश्चय बुलंद है, हौसले बुलंद है निश्चय बुलंद है,
पहचान अपनी विश्व में अटल है। मैं आज का भारत हूँ, युवा हूँ अपनी सोच से, नव निर्माण की खोज से। इतिहास को उभारा है, संस्कृति को निखारा है। इतिहास को उभारा है, संस्कृति को निखारा है। विश्व गुरु हम हैं, विश्व गुरु हम थे, विजय घोष नारा है। कुछ ऐसे ठीक होगा ये ख्याल अपने जहन में पाल रखा है। न जाने कितनी काली रात थी, न जाने कितनी काली रात थी, निकल जाऊं इस कयामत से, खुदा से यही फरियाद थी। वो निशान मेरी रूह पर दे गया, वो निशान मेरी रूह पर दे गया। दिन बीते बीता अरसा, पर ये ख्याल मेरे जहन में एक दाग बन के रह गया। न जाने कितनी काली रात होगी। ये कुछ लाइन पहले खुद से लिखी है, उन दिनों जब मैं काफी अकेला था और किसी यार काफी सता रही थी। आज फिर तुम इस कदर याद आए, बेच खुशियों को हम गम खरीद लाए। आज फिर तुम इस कदर याद आए, बेच खुशियों को हम गम खरीद लाए। क्या मैं करूँ इस दुनिया का, तू जो मेरा ना रहा। किसी और के साथ देख कर तुझे यूं बेबस में खड़ा रहा। तुझ पे जो था खत्म हो गुरूर हो गया, औरों का दिल टूटता है मेरा चूर चूर हो गया। आंसुओं को पोछा और आज ये फैसला कर लिया, जा मोहब्बत तुझे आज अलविदा कर दिया। वाह, ओ माय फेवरेट पर्सन इन माय लाइफ। जब जब पाया खुद को तन्हा इस दुनिया की भीड़ में, तब तक मेरी खामोशियों को लफ्जों के मोती में पिरोया तूने। कहां से लाऊं मैं वो दिन वापिस, जिस दिन आंख खुलते ही तेरा चेहरा तेरी आवाज नसीब हो मुझे। डांट से ही मगर एक बार पुकार लो सही, तेरी एक आवाज के लिए मैं पूरी जिंदगी इंतजार में गुजार दूं। बहुत सी शिकायतें करनी है माँ तुझसे, इस जमाने का मलाल करना है तुझसे, मेरी बात में तेरा जिक्र आज भी कर रही हूँ मैं सबसे। Until the message of our poetry penetrates, we will interpret. We will remind the minds of those who think poetry in a negative way, for the sanity of the humanity has now become insanity. And the minds of men, spinning and spinning at the speed of a new age technology, generating the evil lust of mankind, the pride of life and love of money, and now the time is running fast. Faster and faster as the creation race wasted, like the bones in the valley of dry bones. And I am afraid of a lot of stuff. I am afraid of the dark, of public speaking, of dying alone, where I go for a handshake and you go for a knuckle, boo, boo, and that end up looking like an absolute chunk. I am afraid. Yes, I'm afraid of the darkness where there is no source of light resides. I am afraid. I am afraid of not being a productive product to Sholini's productive production. I am afraid. I don't know why, but I'm afraid. I am afraid of falling in love. Oh. Where I say to you, Muche, Tumse, Piare, Hen. Rejection penetrates deeper than the suede. I am afraid of the failure, judgmental views of the society. I am afraid. So in sirens just looks round. Oh my god. Jaan ki dushman ko apni jaan kehte hain, hum apni jaan ki dushman ko apni jaan kehte hain, mohabbat ki is mitti ko hindustan kehte hain, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। अम्मा पत्र लिखती है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, चाहे एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मजदूर को मजदूर समझे जनाब, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं।
गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने की इतनी ही इच्छा है तो रक्त दान दीजिए, तो रक्त दान दीजिए, और मरते समय अपना अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है, क्योंकि ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। धन्यवाद। अपनी कविता स्वप्न लोक के साथ, जो एक सवाल पूछती है कि क्या ये दुनिया वाकई में कोई सत्य है या किसी मिराज की माया, कि हर रात आंखें बंद करते ही खुलता था एक द्वार, अंधेरे से भरा रास्ता नीली रोशनी का जाल, पुकारता था मुझे कोई अपनी ओर, मैंने उसकी पुकार सुनी, हे ईश्वर ये मैंने कौन सी राह चुनी। अच्छा सुनिए, लिटरेचर कहने तो इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द वेरिएशन इन द वॉइस एंड हाउ यू फोकस ऑन द वर्ड्स, राइट? सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दी नंबर 6 अश्विनी एंड आस्था। आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स प्लीज कम फॉरवर्ड प्लीज विद द थर्ड प्राइज, राइट? सो द थर्ड पोजिशन गोज टू टीम नंबर 6, दैट इज अश्विनी एंड आस्था। इतने कंफ्यूज पार्टिसिपेंट ना, मैंने पहली बार देखी है, ठीक है, तुम ही कर पा रहे, थैंक यू कर रहे हैं। गोज टू टीम नंबर, हाँ नंबर 7, दैट इज प्रीति किरण एंड श्रेया। हम लोग कभी थकते ही नहीं।